Hello student, very good morning to you. So today I am going to teach you quadratic equation. So firstly, what is quadratic equation? As you have studied in your earlier classes that quadratic means degree 2. Degree 2 means what? Means there are two zeros. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So there are degree is 2. So there are two zeros. The first one is called alpha and second one is called beta. Here a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x. C is any constant. This one is the standard form. The quadratic equation also in the form of only ax square. Either you can say that is ax square plus bx, either ax square plus c. ये सब भी आपकी quadratic equation ही है. But this one is the standard form of quadratic equation. So what we are going to study here about the quadratic equation, we are going to study here that to finding the zeros of quadratic equation. So there are two methods to finding the zeros. The first one is graphical method and the second is algebraic method. So हम कैसे बताएंगे graphically कि यहाँ पे कितने zeros हैं? Graphically आपने जैसे second chapter में पढ़ा होगा polynomial में कि this one x एक्सिस पे जितनी बार कट करता है यहां पे कट किया आपने ये दिस वन इज कॉल्ड द x एक्सिस दिस वन इज y एक्सिस. सो यहां पे जो कट हो रहा है आप देख रहे ग्राफ टू टाइम्स तो देयर आर टू जीरोस अल्फा एंड बीटा. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहां पे ये टू जीरोस हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, अब देखिए आपको मेथड जो पढ़ना है फाइंड करने का जीरोस अलजेब्रिक मेथड, उसमें आपने सबसे पहला पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड. है ना, ये आपने पढ़ा है क्लास एट में भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड आपने पढ़ना है यहां पर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और थर्ड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो दिस फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द फैक्टराइजेशन. मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो को उसको नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा. ठीक है ना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो सपोज दैट देयर इज अ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द जीरोस हियर. सो हाउ यू फाइंड द जीरोस बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है, अभी मैंने बताया भी नहीं आपको, अभी आप पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे. बट जो आपकी बेसिक स्टडीज है, प्रीवियस स्टडीज है, नाइन्थ में एट क्लास में आपने पढ़ रखा है कि ये मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते थे. आपको पता होगा कि स्प्लिट कैसे करते थे, स्प्लिट टू पार्ट में करते हैं. अब वो दो पार्ट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये आपको पता कहां चलता है, ये आपको ये बताता है. अगर ये पॉजिटिव साइन है तो आपको पता चलेगा कि मुझे ऐड करना है. अच्छा, ऐड करने की दो कंडीशन होती है, दोनों सेम साइन होनी चाहिए, आइदर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. तो कौन सी कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी, मतलब मैं पॉजिटिव वाले लगूंगा या नेगेटिव वाले, ये कौन बताएगा? ये हमें बताता है ये दिस साइन. अगर यहां पे प्लस का साइन होगा तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली. अगर यहां पे नेगेटिव साइन होगा तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब क्लियर हो गया इतना, ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलती होगी नहीं इस चीज में कि मुझे इसको जो ब्रेक करना है वो कैसे ब्रेक करना है, मीन्स कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. क्योंकि दोनों चीजें होती है, या तो आप ऐड कर सकते हैं या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहां पर पॉजिटिव साइन है इसलिए ऐड करना है, ऐड करने की कंडीशन भी है. ठीक है, इन केस किसी में अगर यहां पे नेगेटिव साइन होता तो आप क्या करते हैं? तो नेगेटिव के लिए दो कंडीशन फिर आती है, या तो आप प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस होगा. ये दोनों नेगेटिव अगर यहां पर साइन होता तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होती है, पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है. तो निगेटिव के लिए अगर ये कंडीशन अप्लाई होती तो दोनों में से कौन सी अप्लाई होती, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, वो फिर बताता है ये साइन. अगर यहां पे प्लस होता तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते, मतलब कि ग्रेटर नंबर पे जो बड़ा नंबर है उसमें हम क्या लिखते, पॉजिटिव साइन लिखते. और अगर यहां पे माइनस होता
तो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये वाली, मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसमें हम क्या लगाते हैं, निगेटिव। अच्छा, वो आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, आगे लिखिए पीछे लिखिए, डजंट मैटर, वो आप फर्दर सीख जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से ब्रेक करते हैं 5 को। कैसे ब्रेक करना है, यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट को लेके मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 * 6 = व्हाट, 6। सो वी गेट हियर 6, ओके। सो दिस वन 2x + 3x + 6, तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 आ गया, एंड 2 3 से क्या आ गया, 6 आ गया। आफ्टर दैट देयर आर 3 टर्म ओनली, नाउ वी गेट हियर 4 टर्म्स। नाउ वी कैन टेक कॉमन हियर, इन फर्स्ट टू टर्म व्हाट इज कॉमन हियर, x इज कॉमन हियर, सो द रिमेनिंग पार्ट इज x + 2, एंड आल्सो हियर व्हाट इज कॉमन हियर, 3 इज कॉमन हियर, सो व्हाट वी गेट, x + 2। सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऑपरेट दिस, जब भी आप इसको ऑपरेट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपने क्या मिलेगा, ये दो चीजें कॉमन हैं, सेम मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ इट मींस कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, वहीं पे आपको रोक जाना है और फिर चेक करना है कि गलती कहां पे हो रही है, ठीक है ना। सो x + 2 इज थ्रोन कॉमन हियर एंड x + 3, सो दीज आर द फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर हैं इसके इसके, ठीक है ना, फैक्टर्स हैं। अच्छा, फैक्टर से हमें जीरोस निकलता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पहले आप फैक्टर बोलते थे फिर आप जीरोस निकालते थे, कभी जीरोस दिया होता था तो आप फैक्टर निकालते थे, रिलेट करिए ना आप उसको सेकंड चैप्टर से। सो व्हाट वी गेट हियर, x + 2 एंड x + 3, वी आर नॉट गेटिंग हियर दैट दिस वन इज द जीरो, दिस वन इज द फैक्टर, सो हाउ यू फाइंड द जीरो, जीरो मींस दिस वन इज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू माइनस 2, एंड देन आफ्टर x + 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस 3, got it, so there are two zeros of this equation, the first one is minus 2 and the second is minus 3, okay, so this one is called factorization method, I hope आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, आप दो बार देखिए, तीन बार देखिए, अगर कोई आपने प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन। सो पॉज इट, Quadratic formula or third आपका था by completing square method. तो हमें क्या करना है ना कि हम quadratic formula को आपको पता है नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि diagonal minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a. Here the alpha is minus b plus root under b square minus 4ac upon 2a. तो दीज आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये होता है कि सर जब हमारे पास फैक्टराइजेशन में करता हूं तो इसकी क्या जरूरत थी, भाई हम तो रूट ही निकाले ना, इसकी क्या जरूरत थी। तो बेटा ये इसके लिए है कि कुछ ऐसी क्वेश्चन होती हैं जो जल्दी से फैक्टराइज नहीं होती है तो फिर हम इससे करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं ये आपको बता दिया हूं फॉर्मूला क्या है, अब हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करके सीखते हैं, क्योंकि आप जब डेरिवेशन सीखते हैं तो फिर कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, इसमें डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नोट भी लीजिएगा इसको, आप लोग पोस्ट करिए और नोट तैयार करते रहिए। अभी देखिए, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर + bx + c = 0, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द जीरोस हियर, द फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था आपको, तो उसके बारे में क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है आपको ये जानना है। अब देखिए, मैं इसको डिराइव करूंगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड the whole equation by the coefficient of x square, step आप नोट करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्या था फर्स्ट स्टेप, क्या है, divide the whole equation by the coefficient of
x square. So what is the coefficient of x square? X square coefficient of x square is 8 here. So now we are going to divide the coefficient of x square, that is a plus bx by a plus c by a is equal to 0. इतना करने के बाद आपने क्या करना है? आपको करना यह है कि जो कैंसिल हो रहा है फर्दर सिंप्लीफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल ए गॉन कैंसिल है एंड नथिंग इज कैंसिल. सेकेंड स्टेप यहां पे ये है कि ये आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना इसको ट्रांसफर कर देना है. ट्रांसफर द कॉन्स्टेंट टर्म आपने क्या लेना है? ट्रांसफर द कॉन्स्टेंट टर्म, इसको ट्रांसफर कर देना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स ऐसे भी लिख लेंगे. आसानी करी है और कुछ भी नहीं है. तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को ट्रांसफर करने का आएगा व्हाट वी गेट माइनस सी बाई ए. ऑलराइट, तो ये चीज आ गया कि हमने ट्रांसफर कर दिया भाई कॉन्स्टेंट टर्म का माइनस सी बाई ए. व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. सो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए. बेटा आगे बताते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप, दो स्टेप आपने याद करने हैं. पहला स्टेप मैंने बताया कि होल इक्वेशन को डिवाइड कर देना बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और सेकंड स्टेप क्या बताया कि मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर देना है. ठीक है ना? इसके बाद का स्टेप ये है कि एडिंग बोथ साइड. क्या लिख रहा हूं मैं ध्यान से सुनना आप लोग. एडिंग बोथ साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर. क्या कहा मैंने? एडिंग बोथ साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आप रफ में आइडियल लेना है, मतलब रफ में देख लेना कि हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको चेक कर लेना है. ठीक है, तो हाफ ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या भाई? बी बाई ए. इजी पार ऑफ का होल ऑफ स्क्वायर है. गॉट इट? क्या था? एडिंग बोथ साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी बाई ए होल ऑफ स्क्वायर. तो दैट्स व्हाई वी गेट हियर बी बाई टू ए होल ऑफ स्क्वायर. आइदर यू कैन से दैट बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर. अभी दोनों चीजें याद लीजिए आपको कि ये बी बाई टू ए का होल ऑफ स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर है, तो दोनों एक ही चीज ना. लेकिन ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लिखना और राइट हैंड साइड पे इसको लिखना. लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों? हम ये क्यों लिखेंगे? ये क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज. ऐसे क्यों बेटा? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको जो अभी फर्दर स्टेप जो है ना वहां पे आपको पूरी इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर कर देना है. तो जब ये रहेगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कंप्लीट स्क्वायर है क्या. ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेहनत करने से क्या फायदा? अगर मेरे पास कोई टेक्निक है किसी चीज की सीखने की तो उसको मैं सीखूं आसानी से, मेहनत करने से नहीं है. तो यहां पे ये दोनों चीजें हर क्वेश्चन पे ये चीज का ध्यान रखना. ऐसा नहीं सिर्फ डेरिवेशन को बता रहा हूं मैं. यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एड दिस ऑन एलएचएस एंड दिस वन इज ऑन आरएचएस. बोथ आर सेम थिंग. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर. एड कर दिए. क्या था एड करना? एडिंग बोथ साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर. ये हमने कर दिया एड. अब एड करने के बाद क्या करना है? फर्दर इसको सॉल्व करना है कि क्या क्या हमने. ठीक है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट करते रहिए या नोट करते रहिए. मुझे तो बेहतर पता है कि आप स्क्रीनशॉट ही करेंगे, नोट तो करो नहीं, इतने अच्छे हो नहीं है ना. अब देखो मैंने कहा था ना ये क्यों करेंगे ये क्यों नहीं करेंगे. क्वेश्चन था ना कि सर ये क्यों करेंगे और ये क्यों नहीं करेंगे. ये इसलिए करेंगे. अब आप देखिए ये जो है ना ये हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा. तो पता कैसे चलेगा ये किस चीज का स्क्वायर है जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है. कोफिशिएंट जब 1 है तो प्रॉब्लम कोई नहीं. कोफिशिएंट अगर 2 होता तो रूट में लिखते हम रूट 2. इसी का ध्यान रखना, रूट 2 लिखते. ठीक है, ऐसा है नहीं. 4 होता तो 2 लिखते, 3 होता रूट 3 लिखते. इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा देखो अभी क्या है, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल ऑफ स्क्वायर. ये चीज है, ये
ये आसानी हुई कि नहीं हुई इस चीज को करने के लिए, आपको इजीली पता चलेगा कि ये क्या है, x plus dy 2a का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज आपने पता लगी आपको, ठीक है। यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं, 4x पर एक और कैंसिल माइनस 4ac, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर का कैंसिल व्हाट बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम हियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा देखो, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, पॉज करके नोट करते रहिएगा, जो चीज समझ में नहीं आती फिर मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, फिर मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। अभी ये क्या है कि इस स्क्वायर को मुझे रिमूव करना है, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करना है तो स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। देखो कैसे आता है, एक्स प्लस बी बाई टू ए, स्क्वायर को रिमूव किया तो यहां पे क्या आएगा भाई, स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देता हूं, पॉजिटिव वाला पहले, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये चीज यहां पे का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कर लीजिए आप। ओके, सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस डी वाई टू ए इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का स्क्वायर रूट तो आप फाइंड नहीं कर सकते, तो ऐसे भी इसको छोड़ देना है यहां पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट में फोर अपॉन, यहां पे रूट में क्या है, फोर ए स्क्वायर, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो व्हाट बी गेट हियर, बी गेट हियर टू ए। फाइनली नाउ ट्रांसफर इट दिस वन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, द प्लस है तो ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए, गॉट इट। सो फाइनली वी गेट हियर दैट एक्स इज इक्वल टू टू ए गॉट एलसीएम हियर, दिस वन इज कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये माइनस हो जाएगा बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी लिख लो माइनस बी, पहले स्क्वायर रूट करते हैं माइनस बी, अच्छा यहां प्लस माइनस क्यों लगा लो आपको बता दो, मैं स्क्वायर रूट जब भी आप निकालते हैं किसी जगह तो आप प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव कभी हो सकता है नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल रूट फोर इज इक्वल टू व्हाट टू, टू नहीं प्लस माइनस, क्योंकि टू इंटू टू भी फोर होगा और माइनस टू इंटू माइनस टू भी फोर होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, पूरे पे थ्रू है, तो प्लस माइनस यहां पे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बना के रखने हैं कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे इक्वेशन थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये थी आपकी इक्वेशन। अगर आप मान लीजिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है आपकी रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, सॉरी इससे कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आपको पता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू रूट टू है, बी की वैल्यू फाइव है, सी की वैल्यू एट है, तो आप फर्दर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब क्वाड्रेटिक से करिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन हुआ तो पहला स्टेप सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपने। ओके, तो ये आपका आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो फिर वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसी तरीके से पूछ करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।